हमने कम यूट्यूब व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। मैं कनिशा अपने वीडियो में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ बहुत सरप्राइजिंग होगी। जिस तरह मेरे लिए रवायत वालों ने ये भेजी थी तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है परवरदिगार का, जैसे मैंने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ज्वेलरी इन लोगों ने मुझे भेजी है। और इनकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, इन्होंने बहुत खूबसूरत बॉक्सिंग के अंदर मुझे ये ज्वेलरी भेजी और बहुत खूबसूरत तरीके से मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। असेंबल करके इन्होंने ज्वेलरी बहुत अच्छी रखी है, ये देखें बिल्कुल सेपरेट सेपरेट करके इन्होंने शॉपर के अंदर बंद करके मुझे भेजी। बहुत हसीन इनकी ज्वेलरी लग रही है मुझे और बहुत अच्छी। मैं आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि इन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी भेजी। जिस तरह मैंने सोचा उसी तरह मुझे ये रिसीव हुई। मैंने ये ऑर्डर किया था इससे पहले आई थिंक सो, और मेरे पास डिलीवर हुआ इससे बाद, क्योंकि आपको पता है अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन में तो हर चीज़ बंद हो गई थी, तो इस वजह से ये अब मेरे पास डिलीवर हुआ। एक सेकंड मैं असेंबल कर लूँ चीज़ें, फिर आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। ये मैंने एंग्लैंड मंगवाया था, पांजेब मंगवाई थी मैंने। ये बहुत हसीन तरीन पांजेब है, फ्लावर बने हुए हैं उसके साथ, बीट्स लगे हुए हैं, नेवी ब्लू कलर के मोती लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। आपको मैं क्रीप करके दिखा देती हूँ, जूम करके दिखाती हूँ कैमरा। ये देखिए मैंने हाथ पे भी रख के दिखा रही हूँ आपको, डिज़ाइन पता चल रहा होगा। इतनी हसीन ये पांजेब है ना, आप यकीन मैंने बहुत हसीन लग रही थी जब ये मैंने पाँव में पहनी थी। और इसमें ब्लैक कलर भी था, तो अनफॉर्चुनेटली वो सारा इनको सॉर्ट आउट हो गई थी। तो इंशाल्लाह ताला जैसे इनका री स्टॉक होता है दोबारा से, तो मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगी दोबारा इनको ज्वेलरी के लिए, जो जो मैंने सोची हुई है। अभी तो मैंने ये ज्वेलरी मंगवाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इसकी वीडियो जल्द से जल्द बना के शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। रवायत वालों से आप भी ऑनलाइन ज्वेलरी परचेज़ करें, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में। मैंने इनका कार्ड दिखा रही हूँ आपको, रवायत वालों का इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में इनकी ज्वेलरी, कुछ परसेंट इनकी ऑफ लगी हुई थी आई थिंक सो, अभी भी लगी हुई है। तो आप जल्दी से जाएँ, ऑर्डर रिप्लेस करवाएं अपना, और आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। इतनी हसीन ज्वेलरी आप लोग भी पहने जल्द से जल्द, मैं चाहती हूँ। ये देखिए अब मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, ये मैंने ब्रेसलेट मंगवाई थी, ये फ्लावर बने हुए हैं, सनफ्लावर बने हुए हैं। इसके अंदर जो स्टोन है वो शॉकिंग पिंक कलर का है, ये मैं आपको मैट गोल्डन कलर के अंदर है। ये मैं अपने हाथ पर आपको रख के दिखाती हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। एक सेकेंड मैं इसे सीधा कर दूँ ज़रा, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है, क्योंकि मैंने चूड़ियाँ भी पहनी हुई, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, ये देखें कितना हसीन मेरा हाथ रख रहे हैं, ये देखें। मुझे तो बहुत पसंद है इनकी ज्वेलरी, और मैं थैंक यू सबसे पहले बोलूँगी रवायत वालों को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज्वेलरी भेजी। और इंशाल्लाह ताला मैं अगेन इनसे ज़रूर परचेजिंग करूँगी ज्वेलरी। ये सेकंड हाथ पे भी मैं अपने उल्टे हाथ पे भी आपको दिखा रही हूँ रख के, ताकि आपको वाजा हो सके इसका डिज़ाइन, इसकी मेकिंग, किस तरह इन लोगों ने अच्छी नफासत के साथ ये ज्वेलरी बनाई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ रिंग जो मैंने ऑर्डर की थी, ब्लैक कलर की है, ये स्क्वायर शेप में है। ओवल में भी मैंने मंगवानी थी लेकिन उसमें ब्लैक कलर नहीं था, और मेरा साइज़ भी नहीं था, मेरा साइज़ 16 नंबर है तो वो नहीं था। तो इस वजह से ये देखिए मैंने अपने हाथ पे पहन के दिखा रही हूँ, कितने खूबसूरत हाथ लग रहे हैं मेरे। ये देखें रिंग कितनी खूबसूरत है इनकी, सिंपल सी है और बहुत ही ऑसम लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान इतने डिज़ाइन वाले ले तो वही अच्छी लगेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिंपल भी बहुत प्यारी लगती है। और ब्लैक कलर मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। ये देखिए मैंने अंगूठे में पहन के भी दिखाई है, आपकी मर्ज़ी जिस फिंगर में भी आप पहन लो, लेकिन मुझे इसी फिंगर में बीच वाली में अच्छी लगती है रिंग पहनना, तो इसलिए मैंने इसी फिंगर में पहनती हूँ मैं रिंग। अब मैं ये रिंग पहन के ही बाकी वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, अब आते हैं, मैंने डबल चेन सॉरी ये मैंने हेयर पिन मंगवाई थी। ठीक है, ये स्टोन वाली है, फर्स्ट वाली जो है वो पूरे स्टोन से फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, सेकंड वाले में पर्ल है, फिर स्टोन है, फिर स्टोन है। ये बहुत खूबसूरत पिन है हेयर, कभी इंसान ने शादी ब्याह पे जाना हो, कहीं पार्टी वगैरह में जाना हो, तो हमें पिन चाहिए होती है हेयर, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग वाली हमें ले के रखनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या और क्या चीज़ें परचेज़ की हैं रवायत वालों से। आप भी प्लीज़ जाएं रवायत वालों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसके बाद वहाँ जाके इनकी वेबसाइट पे जाके अपना ऑर्डर रिप्लेस करवाएं जल्द से जल्द। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने डबल चेन मंगवाई थी, ये भी बहुत हसीन तरीन डिज़ाइन है और बहुत खूबसूरत तरीके से इनकी मेकिंग हुई हुई है। ये मैट गोल्डन में है, एक सेकेंड मैं इसे खोल दूँ ज़रा, ये थोड़ा सा उलझ गई है।
सिंपल कपड़े के ऊपर या आप पहनेंगे या डिज़ाइन वाले कपड़े पे आप सिंपल कपड़े पे पहनेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी आपकी गले में। ये देखिए कितना खूबसूरत, अभी मैं हाथ पर रख के दिखाती हूँ ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत है। मैं पास से भी आपको लोगों को डिज़ाइन दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। बीच वाली चेन में जो है वो स्टोन है और नीचे वाली में पेंडेंट बना हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत पेंडेंट बना हुआ है और इनकी चेन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। जो ये गोल्डन कलर के बॉल आ रहे हैं चेन में, ये बहुत हसीन है और मुझे बहुत खूबसूरत लगी। ये मैं नेक पे आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत लगी है चेन। जब ये आप लोग भी अगर ऐसी ज्वेलरी परचेज़ करेंगे, आप लोग भी पहनेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी ये चीज़। और सेकंड भी मैंने मंगवाई थी एक और इनसे डबल चेन, वो है गोल्डन कलर की, ये मैट गोल्डन में थी और वो भी गोल्डन कलर की है। ये देखें ये भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये भी थोड़ी सी उलझ गई है, इसको ठीक कर दो तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका भी डिज़ाइन अगेन वही बीच वाली चेन में क्या कहते हैं स्टोन लगा हुआ है, नीचे वाली में पेंडेंट है। इसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है, चेन अगेन वैसे ही है, पूरी बाउल है पूरे चेन में बने हुए छोटे छोटे से गोल्डन कलर के। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है जी ये भी चेन। मैं आपको जूम करके कैमरा दिखा देती हूँ, अपने नेक पे लगा के दिखाती हूँ, आप खुद देखें। ये देखें कितनी खूबसूरत, सिंपल कपड़े पे आप पहनोगे, नेवी ब्लू हो गया, गोल्डन हो गया, येलो, डार्कर शेड जितने भी उस पर आप पहनोगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं नीचे थोड़ा नेक करके दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। शॉकिंग पिंक पे देखिए कितनी हसीन ये चेन लग रही है। आपको मैं दोबारा ये करीब करके डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ये देखें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मैं इस तरह की आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रहूँगी जैसे जैसे मेरे पास टाइम होगा। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ माला मैंने मंगवाई थी, ये माला भी बहुत ही खूबसूरत है, पर्ल के साथ है और शॉकिंग पिंक पर्ल है इसमें, ऑफ वाइट पर्ल है और गोल्डन कलर के इसमें बॉल बने हुए हैं। ये भी बहुत हसीन तरीन है, ये देखिए मेरे गले पे कितनी खूबसूरत लग रही है। ये भी सिंपल सूट पे आप पहनोगे तो बहुत हसीन लगेंगे। मैं करीब करके इसका डिज़ाइन दिखा देती हूँ थोड़ा सा, और जो इसके गोल्डन कलर के बाउल है उस पर फ्लावर बने हुए, इतनी अच्छी मतलब डिज़ाइन बना हुआ है उस पर। कैमरे में हो सकता है वाजे ना हो लेकिन ये देखिए मेरे हाथ पर मैंने आपको रख के दिखाई, ये भी बहुत खूबसूरत है। और जो इस रवायत वालों का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अगेन आपसे यही गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो बना के आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।